दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं सतीन सिंह ब्लॉग। सतीन सिंह ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। और वो टॉपिक है दोस्तों कि क्या यूट्यूबर होना है गलत बात है? अगर यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हैं तो क्या वो गलत बात है? तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ और मेरी YouTube फैमिली सभी आप लोग बताइए, क्या YouTube पे वीडियो बनाना बहुत गलत बात है, गंदी बात है? बहुत लोग क्या करते हैं, तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं आगे। बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं अपने सभी ऑडियंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलेंगी मेरे लाइफ से रिलेटेड, मैं अपने लाइफ में सारी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो दोस्तों मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने लाइफ से रिलेटेड बताया है और बनाया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि भाई यूट्यूब वाले यूट्यूब पे वीडियो बनाना क्यों गलत बात है, और यूट्यूब जो यूट्यूबर होते हैं उनको लोग गलत निगाह से क्यों देखते हैं। आज का टॉपिक यही है। तो आप बताइए मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों की क्या YouTube पे वीडियो बनाना गलत बात है? अगर वीडियो YouTube पे बनाना अगर गलत होता तो ये वीडियो बंद भी हो जाता, या ये चैनल ही बंद हो जाता, या ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाता YouTube। तो वीडियो पे बनाना अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों गलत है और कहाँ तक गलत है। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, और इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ये बहुत गलत बात है, आप इतने अच्छे लंबे चौड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्यों नहीं आप जॉब खोज लेते हैं, क्यों नहीं आप नौकरी करते हो? तो मुझे लोग ताना मारते हैं कि आप तो नौकरी क्यों नहीं कर लेते, क्या ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो, ये सब फालतू के काम है, वेस्ट काम है, और ये बकवास है, ये है यूट्यूब पे वीडियो बनाना गंदी बात है, ये मतलब तमाम तरह की गंदी गंदी बातें उन लोगों के मन में भरी हुई हैं, कूट कूट कर भरी हुई हैं, और वो एक यूट्यूबर को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और वो एक यूट्यूबर को बहुत ही ख़राब निगाह से देखते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या आपको लग रहा है? अगर आपको लग रहा है तो मुझे वीडियो में ज़रूर और देख कर और कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए दोस्तों, क्या ये कहाँ तक ये सही है। अगर एक आदमी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अगर उसको जॉब नहीं मिलता है उसके लायक, तो वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आकर अगर अपनी रोजी रोटी बनाना चाहता है, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, अपना एक पैसे कमाने का माध्यम बनाना चाहता है, अपनी लाइफ का जो सारी बातें वो ऑडियंस से शेयर करना चाहता है, तो कहाँ तक ये गलत है? ये तो मुझे तो नहीं लगता ये गलत है। अगर आपको गलत लगता है, किन भी मेरे भाई बहनों को गलत लगता है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्यों लगता है। दूसरी बात कि ये उन्हीं लोगों को गलत लगता है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है, तो ये उन्हीं लोगों ने बोला है मुझे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, हाँ मुझे उन लोगों ने कहा है जो सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे हैं और 40,000 50,000 80,000 ले रहे हैं, तो वो लोग एक जो अनएम्प्लॉयड आदमी है, जो बेरोजगार आदमी है, एक तरह का प्रयास कर रहा है, अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे एक तरह से प्रयास करता है कि कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म उसका क्रिएट हो, एक जगह स्टैंड हो और कुछ पैसे अर्न कर सके, तो ये उनको देखा नहीं जाता। वो लोग ताने मारते हैं कि क्या आप कर रहे हो, वीडियो बना रहे, तो आप यही करोगे ज़िंदगी भर, यही करोगे, या तू ये करवा ज़िंदगी भर, तो मोबाइल ये चलेगा, तो ज़िंदगी भर ये करवा, तो इस तरह की बातें वो करते हैं। वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम एक जो है गवर्नमेंट जॉब में हो गए हैं, तो पूरी धरती पे हम ही एक जो है लायक हैं, बाकी आप लोग ना लायक। तो क्या इस तरह की बातें हैं? अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। तो ये सरकारी जॉब वालों को बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड हो जाता है, ईगो हो जाता है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आप अपने लिए ना, आप अपनी जॉब कर रहे हो, अपने परिवार का पेट पाल रहे हो, अपने परिवार का खर्चा उठा रहे हो, तो आप किसी को एक रुपए तो दे नहीं रहे हो,
तो आप दूसरे पे मतलब दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो ना कि हाँ आप गलत हो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। दूसरों को आप सजेस्ट नहीं कर सकते ना ब्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं दोस्तों। मेरी ये बातें अगर जिस लोगों को अगर गलत लगती है या बुरी लगती है या हर्ट करती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अदरवाइज मेरी बातें जिन लोगों को अच्छी लगती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिसको बुरी लगती है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ तक मेरी बातें गलत है और कहाँ तक सही है। तो दोस्तों मुझे बहुत हर्ट हुआ, दो तीन लोगों ने मुझे कमेंट करके ऐसे बताया, और मुझे ऐसे मतलब फेस टू फेस भी कहा है कि आप पढ़े लिखे हैं और आप इस तरफ की वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बनाना तो बहुत खलियर काम है, खाली लोगों का काम है, बेरोजगार लोगों का काम है, बहुत गलत काम है, तो आप वीडियो बना के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस, मेरी जनता, मेरे भाई बहनों, कि मुझे इस तरह से आप ऐसे इतना लाइक करें दोस्तों मेरे, मुझे लाइक करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को वॉच करें ताकि, और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को एक तमाचा लगेगा जो कहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत गलत बात है, और जो यूट्यूबर होते हैं वो गलत होते हैं, वो गंदे होते हैं, उनको एक तमाचा दीजिए। और क्यों? क्योंकि वो ब्लेम करते हैं कि यूट्यूबर गलत होते हैं, गंदे होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, वो बस इस तरह की फालतू काम करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मेरी ऑडियंस, मेरी जनता, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट वो करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियोज़ को जहाँ तक हो जितना हो वॉच करो और शेयर करो, ताकि अभी मेरे बस इस चैनल पे आप देख रहे होंगे कि अभी तक मेरे सिर्फ 1162 हुए हैं सब्सक्राइबर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, मुझे और इसके आगे जाना है, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे कम से कम इस साल तो 2023 एंड में, ये अगस्त चल रहा है तो एंड तक मेरे 100K सब्सक्राइबर आप लोग करवा देंगे, और मुझे पता है आप लोग करवा देंगे। मेरी ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ मैं हाथ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वॉच भी करें वीडियोस को। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग अपना सजेशन ज़रूर डाल दीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो मैं क्योंकि मैं रिप्लाई क्या तुरंत करता हूँ, और मैं कमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल इसीलिए बनाया था। तो वीडियो को लंबा हो रहा है तो उसको हम एंड करते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे एंड करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ अगर यहाँ तक आप लोग वॉच कर चुके हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बेल आइकन ऑल कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।